हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं नहा के पूजा भी कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में अभी डिम टोस्ट बनाऊँगी गाइस, और मम्मी मतलब सासू मम्मी और मिष्टी के पापा के लिए बना रही हूँ। और मेरी मम्मी गाइस वो डिम टोस्ट नहीं खाती है क्योंकि वो अंडा नहीं खाती है, तो गाइस अब ब्रेड भी नहीं खाती है, तो वो अपने लिए उपमा बनाई है, खुद से ही बनाई है मम्मी, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी तब तक मम्मी नाश्ता बना ली थी अपना। और यहाँ देखे गए जिम टूस बन गया, तो ये पहले मैं सासू मम्मी को दे दूँगी क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, उनको नाश्ता दे देते। वैसे 9 बजे नाश्ता कर लेती है, पर आज 9:30 बज गया था गैस। और उसके बाद ये मिष्टी के पापा को भी बना के मैं दे दूँगी गरम गरम। और मुझे नहीं खाना था गैस क्योंकि मैं सुबह जिम टूस नहीं खाती हूँ नाश्ते में। मैं अभी चाय और बिस्किट या कुछ खा लूँगी या मम्मी के संग थोड़ा उपमा खा लूँगी। यहाँ देखिए मैं मम्मी को दे दी हूँ, सासू मम्मी को, तो मम्मी खा रही थी बैठ के। यहाँ मेरी मम्मी नाश्ता कर रही थी और अपने लिए केला भी रखी थी, अभी उपमा खाने का केला खाएगी। अब मम्मी बाहर का चीज़ कुछ नहीं खाती है गाइस, तो घर में खुद ही बना लेती है। और अंडा वगैरह बनता है तो वो तो खाती ही नहीं मम्मी, और मैं जिस दिन अंडा बनाऊँगी उस दिन मम्मी खुद से ही अपना नाश्ता बना लेती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम लोग मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ दीदी के दुकान क्योंकि विश्वकर्मा पूजा स्टार्ट हो गया होगा गाइस। अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 11 बज गया गाइस। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। चलो तो गाइस देखिए मिष्टी को भी मैं रेडी कर दी हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, दीदी के दुकान जा रहे थे, तो यहाँ पर लोग बस में करके जा रहे गाइस, बस में बैठ गए थे। अब बहुत ज़्यादा आज गर्मी है गाइस, और हर विश्वकर्मा पूजा के समय गर्मी बहुत ज़्यादा गिरता है गाइस। यहाँ हम लोग बस थोड़े देर में पहुँच ही जाएंगे गाइस क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है। दीदी का दुकान हम लोग के घर से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। तो यहाँ देखिए गाइस हम लोग दीदी के दुकान में आ गए थे और यहाँ पूजा हो गया था गाइस क्योंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट हो गया आने में। 11:30 बज गया था हम लोग आने में, नाश्ता दिए फिर उसके बाद रेडी हुए। और गाइस आज घर में सुबह बहुत ज़्यादा ही काम था तो इसलिए आज ज़्यादा ही लेट हो गया है। यहाँ देवी का देखे गाइस साड़ी पहनी है, और मैं भी आज साड़ी पहनने का ही था गाइस, पर उसके बाद मैं सोची नहीं सूट ही पहन लेती हूँ क्योंकि सूट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है इसीलिए। यहाँ गाइस देखिए यहाँ जिया जी के मतलब फ्रेंड लोग आ रहे थे, जिसको जिसको बुलाए थे सब आ रहे थे, एक एक करके उनको प्रसाद जिया जी दे दे रहे थे सबको पैक करके। और गाइस देखिए कितना ज़्यादा धूप है, और यहाँ पे छोटा सा ही दुकान है दीदी का, थोड़ा बड़ा करके बनाया जाएगा गाइस। अभी बस ये टूटने वाला है, ये अभी इस साल पूजा होगा, अगला साल यहाँ नहीं होगा गाइस क्योंकि तब नया करके बनेगा, अभी टाइम लगेगा बनने में। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस कितना सुंदर विश्वकर्मा जी का मूर्ति लेके आए थे जिया जी, बहुत सुंदर था। और मैं पूजा में आने नहीं सकी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ आशीष खड़ा हुआ है, ये सब जो बच्चे लोग आए हुए हैं सब जिया जी के संग में काम करते हैं, सब बहुत जने थे आए थे गाइस। गाइस अभी 2 बज गया था और अभी काफ़ी जने आने बाकी थे, तो हर साल गाइस ऐसे ही 6-7 बज जाता है। तो हम लोग अभी बहुत देर तक यहाँ रुकेंगे, बहुत सारे फ्रेंड लोग आते हैं जिया जी के। और गाइस हम लोग हर साल यहाँ पे पूजा में आते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मिष्टी कैसी लग रही है गाइस ज़रूर बताइएगा। एकदम हल्का सा मैं इसे फ्रॉक पहना के लेके आई हूँ, ऐसे गाउन पहनने के लिए बोल रही थी, पर गाउन गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि गर्मी भी है, तो गर्मी में जितना हल्का कपड़ा पहने उतना अच्छा लगेगा गाइस। मनीष गया था वो सब पैकेट लेने के लिए खाने का हम लोग सब के लिए, तो अभी हम लोग अभी खाना वगैरह नहीं खाएंगे, अभी सब जब प्रसाद लेके चले जाएंगे तो हम लोग 4:30 बजे तक खाना खाएंगे गाइस। ऐसे नाश्ता हम कर लिए हैं सुबह, यहाँ आके ही नाश्ता किए हम लोग सब दीदी, हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, बस खाना अभी देर से खाएंगे, जब सबको देना हो जाएगा पैकेट्स उसके बाद दीदी सब गाइस सब प्रसाद देने आते हैं क्योंकि अभी सब आएंगे यहाँ एक संग, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है, सबको जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए दीदी सब पैक करके रख दे रही थी। और यहाँ भी बहुत जने आने वाले हैं तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, जिया जी इंतज़ार कर रहे हैं अभी सबका। देखे सब आ गए हैं, तभी वो लेने गए जिया जी। यहाँ पे सब जितने जन हैं वो बैठ के खाना खा रहे थे, खाना जो मतलब जिया जी के संग में जो काम करते हैं सब वहाँ यहीं पे खाना वाना खा लिए थे। और देखे गए जिया जी के सब फ्रेंड लोग आ गए हैं, और जिया जी जहाँ काम करते वहाँ के सब फ्रेंड लोग हैं। अभी और भी बहुत जने आने बाकी है गाइस, और अभी मनीष के फ्रेंड लोग भी आएंगे, और मिष्टी के पापा सब के लिए
पानी और ठंडा सबको दे रहे थे गाइज, और दीदी स्वीट्स दे रही थी, प्रसाद सबको खिला रही थी और ठंडा पिला रही थी। उसके बाद सबको पैकेट प्रसाद दे देंगे तो सब चले जाएंगे। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे मेरे भैया और भाभी भी आ गए थे, उनको कहीं जाना था, लेट से आए थे होकर के फिर यहाँ आए थे, तो अभी थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद भैया भाभी भी निकल जाएंगे। यहाँ सब बैठे हुए थे गाइज, सब जिया जी के संग में जो काम करते वो लोग थे, वो लोग बहुत देर के बाद गए थे, वो लोग बहुत देर तक ही थे यहाँ पे, हम लोग के संग में ही थे। अरे मनीष का फ्रेंड आ गया है, मिष्टी ज़्यादा खुश हो गई है क्योंकि वो मामा का वेट ही कर रही थी कि कब आएंगे मामा, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मामा मामी से उसको बहुत ज़्यादा ही लगाव है गाइस, क्योंकि बचपन से मामा और मामी के संग काफ़ी दिन रही है गाइस, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ही प्यार करती है गाइस। देखें यहाँ पे अपने मामा से फोटो खिंचवा रही थी, सासू मम्मी नहीं आई है क्योंकि आने से फिर काफ़ी देर रुकना पड़ता, तो इसीलिए मम्मी घर में ही, नहीं तो ऐसे मम्मी आई थी अगले बार पर इस बार नहीं आई गाइस। और मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा गाइस मम्मी का, और मेरी सासू मम्मी नहीं आती है गाइस क्योंकि सासू मम्मी का ज़्यादा देर बैठ कर नहीं रह सकती है, यहाँ पे गाइस बैठ के ही रहना है सारा दिन, क्योंकि फिर यहाँ पे लेट तो नहीं सकती क्योंकि हम लोग घर में तो आए नहीं, दुकान में पूजा हो रहा है, तो इसलिए मम्मी लोग नहीं आई है, दोनों मम्मी घर में हैं। और यहाँ पे गाइस देखिए मिष्टी स्कूटी बैठ के, स्कूटी में बैठना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। सब आगे चले गए थे गाइस, सब प्रसाद दे दिए थे, उसके बाद सब दीदी बैग वैग पैक कर रही थी सबका, हम लोग का दीदी का, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 6:45 हो गया था, दीदी का गाड़ी बुक कर दी, दीदी घर चली गई, उसके बाद हम लोग भी गाड़ी बुक करके हम लोग भी निकल आए गाइस। और हम लोग बस गाड़ी लेट हो गया था गाइस, देखे सुबह से शाम हो गया गाइस, और अभी घर जाते जाते हम लोग का 7 बज जाएगा, बहुत ज़्यादा थक गए थे गाइज हम लोग। और अभी घर में जाके मम्मी के लिए खाना भी बनाना था, क्योंकि हम लोग अपना खाना लेके आए थे पर मम्मी तो बाहर का खाती नहीं है, तो मम्मी के लिए अभी खाना बनाएंगे। और मिष्टी को अभी नींद आ रहा था और गाड़ी में ही सो गई थी गाइज, फिर उसको उठा करके हम लोग लेके जा रहे घर। उसके बाद देखिए हम लोग घर आ गए थे, आने के बाद मम्मी सब्ज़ी काट के रखी थी, तो आलू के लिए और लौकी का जो छिलका होता है गाइज उसका भाजी बना दे रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइज इसका भाजी। और उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे प्याज अच्छे से भून गया था, तो मैं उसमें आलू डाल दी हूँ, आलू और उसके बाद लौकी का ही डाल दी हूँ, और एकदम पतले पतले काटी हूँ गाइस, और उसके बाद डालने के बाद अच्छे से हिला ली हूँ, और इसको एकदम अच्छे से लाल करके उसके बाद गाइस मैं इसमें मसाला थोड़ा देर बाद में ऐड करूँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का लाल हो गया था सब्ज़ी, तो उसमें मैं हल्का गुड़ा मिर्च और हल्का हल्दी बस और कुछ नहीं, उसमें नमक ऐड कर दी हूँ गाइस। उसके बाद इसको अच्छे से चला के 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही ढकूंगी नहीं गाइज, ऐसे खोल के इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। यहाँ पे हमारा सब्ज़ी रेडी है एकदम अच्छे से और बहुत टेस्टी बना था, और यहाँ पे आटा भी लगा ली हूँ, मम्मी लोग के लिए रोटी बना दूंगी। तो यहाँ पे भाजी भी रेडी है गाइज, और यहाँ पे मैं रोटी भी बना ले रही हूँ, बस मम्मी दोनों के लिए बनाना है, और सासू मम्मी अभी घर चली जाएगी गाइज, तो यहाँ पे मम्मी को खाना मैं दे रही हूँ। तो आइए गाइज आप लोग भी खा लीजिए, भाजी काफ़ी लेट हो गया था तो मम्मी को बना के गरम गरम मम्मी को फिर खाना सबसे पहले मैं दे दी हूँ, और हम लोग अभी बाद में खाएंगे गाइज, हम लोग अपना खाना ले करके आए हैं, तो पहले मम्मी खा लेगी उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है गाइस, तो पहले खा लेगी तो दवा दे दूंगी मम्मी, फिर उसके बाद खा के सो जाएगी। और सासू मम्मी को खाना पैक कर दी हूँ, मम्मी चली गई है घर क्योंकि कल से फिर दुकान है गाइस। तो आज का ब्लॉग आप सबको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और गाइस जितना हो सके मैं आप लोग के संग वीडियो थोड़ा बहुत जितना बना के आप लोग के संग शेयर करती हूँ गाइस। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।